हाय गाइस, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एंड सबस्टेशन गुरु और आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर वह युक्ति या यंत्र है जो किसी विद्युत उपकरण में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को घटाने या बढ़ाने का कार्य करती है बिना उसके फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में और जोसेफ हेनरी ने 1832 में किया था। आप जो अभी ट्रांसफार्मर देख रहे हैं वह 315 MVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें 400 kV इनपुट और 220 kV आउटपुट के रूप में निकलती है और इसी में इस पूरे सबस्टेशन को चार्ज करने के लिए 33 kV का बूस्टिंग भी ऐड किया गया है जो इस स्टेशन ट्रांसफार्मर को इनपुट देती है और यहां से स्टेप डाउन होकर 440 वोल्ट सबस्टेशन को सप्लाई की जाती है। तो अब जानते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और यह एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि यह ट्रांसफार्मर समझाने के लिए थोड़ा बड़ा है तो छोटे ट्रांसफार्मर द्वारा इनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में। यह जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है वह ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है कोर जो नर्म लोहे का बना होता है और दूसरा कोर के ऊपर वाइंडिंग जो प्रायः तांबे के तार का किया जाता है और तीसरा नेप्था ऑयल जिसे आप सभी ट्रांसफार्मर ऑयल के नाम से जानते हैं। इस नेप्था ऑयल को इंसुलेट और कूलिंग करना आसान होता है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर सिर्फ कोर वाइंडिंग को ही रखा जाता है तो टैंक के अंदर खाली जगह बच जाती है। इस गैप के कारण एडी करंट उत्पन्न होने लगती है जो एक्चुअल करंट यानी जो सप्लाई करंट होती है उसका विरोध करती है। तो इस एडी करंट को ख़त्म करने के लिए ट्रांसफार्मर में नेप्था या ट्रांसफार्मर ऑयल को भरा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का गैप ना रहे और इस ट्रांसफार्मर टैंक को पूरी तरह पैक कर दिया जाता है ताकि बाहरी वातावरण का प्रभाव इस पर ना पड़े और जब इसमें धारा प्रवाह हो तो अपना वाइंडिंग मूवमेंट ना कर सके। तो अब जानते हैं अपना दूसरा पार्ट, कंजर्वेटर टैंक या एक्सपांसन टैंक। जब ट्रांसफार्मर में अधिक लोड या सप्लाई के कारण हीट उत्पन्न होती है तो उस समय ट्रांसफार्मर में डबल टैंक का उपयोग किया जाता है जिसमें एक आपका है मेन टैंक और दूसरा होता है कंजर्वेटर टैंक। यह जो कंजर्वेटर टैंक है यह ट्रांसफार्मर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह अगर नहीं लगाया जाता तो अपना ट्रांसफार्मर हीट के वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। यह जो कंजर्वेटर टैंक है वह ट्रांसफार्मर टैंक से इस नली के माध्यम से जुड़ी हुई होती है और कंजर्वेटर टैंक को हमेशा आधा ही भरा जाता है। अब जानते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। जब अपना ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है तो इसके अंदर हीट उत्पन्न होने लगती है जिस कारण इसके अंदर का जो नेप्था ऑयल या ट्रांसफार्मर ऑयल है वह खौलने लगता है। क्योंकि अपना ट्रांसफार्मर टैंक पूरी तरह से पैक होता है तो इसके ऊपर एक नली के द्वारा ट्रांसफार्मर टैंक को कंजर्वेटर टैंक से जोड़ा जाता है। क्योंकि यहाँ कंजर्वेटर टैंक आधा ही भरा रहता है तो गर्म ऑयल को खौलने के लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाती है। तो क्वेश्चन यह आता है कि खाली कंजर्वेटर टैंक का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर टैंक में अधिक हीट के कारण टैंक का ऑयल लेवल कम होने लगता है तो कंजर्वेटर टैंक में भरा यह आधा ऑयल उस टैंक को ट्रांसफार्मर टैंक के ऑयल लेवल को फुल रखने का कार्य करता है। यदि ट्रांसफार्मर टैंक को कंजर्वेटर टैंक से ऑयल ना मिला और ट्रांसफार्मर टैंक का ऑयल लेवल कम रहा तो खाली जगह बच जाएगी। ट्रांसफार्मर टैंक के उस खाली जगह पर एडी करंट उत्पन्न होगा
तो इस एडी करेंट को रोकने के लिए कंजर्वेटर टैंक में आधा ऑयल भरा रहना आवश्यक है। अब इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन यह आता है कि जब आपका ट्रांसफार्मर टैंक पूरी तरह से पैक होता है तो उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे भरा जाता है और मेंटेनेंस के वक्त उसको कैसे निकाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल भरने के लिए कंजर्वेटर टैंक के ऊपर एक नली दी गई होती है जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल डाला जाता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर टैंक कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट होता है, तो मेंटेनेंस के समय जब कंजर्वेटर टैंक के ऊपर से ऑयल डाला जाता है तो वह ट्रांसफार्मर टैंक में पहुंच जाता है। और ट्रांसफार्मर टैंक के ऑयल को बाहर निकालने के लिए ट्रांसफार्मर टैंक के निचली सतह पर वाल्व दिया होता है जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर टैंक ऑयल बाहर निकाल दिया जाता है। अब जानते हैं इसका तीसरा पार्ट, ब्रीदर। ब्रीदर हमेशा कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका कलर ज़्यादातर ऑरेंज या ब्लू कलर का होता है और इसके अंदर जो भरा हुआ भाग होता है वह सिलिका जेल होता है। इसमें सिलिका जेल जो है हवा में से नमी को सोखने का कार्य करती है जिससे कि हवा हल्की हो जाती है क्योंकि उसमें से नमी छट जाती है। लेकिन अपना सिलिका जेल जो है हवा में से नमी को तो सोख लेता है लेकिन हवा में से धूल को नहीं रोक पाता, तो उस धूल को हवा में से अलग करने के लिए इसके नीचे यह कटोरी के जैसा भाग लगाया जाता है जिसमें ऑयल भरा जाता है। यह जो ऑयल है वह धूल को चिपका लेती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और सिलिका जेल हवा में से नमी को, जिससे कि फ्रेश एयर कंजर्वेटर टैंक में पहुंचता है। अब जानते हैं इसका चौथा पार्ट, बुकॉज रिले। बुकॉज रिले को हमेशा कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। बुकॉज रिले एक MCB की तरह कार्य करती है। जब ट्रांसफार्मर में हीट ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो बुकॉज रिले जो है सप्लाई को ही कट कर देती है। अब जानते हैं यह वर्क कैसे करता है। बुकॉज रिले के अंदर एक स्विच होता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और उस स्विच को दबाने की क्षमता पारा में भर दिया जाता है। जब कभी भी ज़्यादा हीट होती है तो पारा अब ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा हीट होने पर जिस हीट के कारण ट्रांसफार्मर को क्षति पहुंच सकती है उस स्थिति में पारा ऊपर चढ़कर स्विच को दाब देता है जिससे कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट हो जाती है और तेज अलार्म बजता है। ट्रांसफार्मर में बुकॉज रिले का उपयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। अब जानते हैं ट्रांसफार्मर का पांचवा भाग, कूलिंग फिन्स, या जिसे रेडिएटर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो लंबे से स्लॉट्स वाला भाग आप देख रहे हैं उसे ही कूलिंग फिन्स कहा जाता है। अब इसका ट्रांसफार्मर में उपयोग समझते हैं। देखिए, अगर जब ट्रांसफार्मर टैंक ऑयल जब गर्म होता है तो कंजर्वेटर टैंक सिर्फ उसके फैलाव या खोलने के लिए जगह प्रदान करता है, ना कि उसको ठंडा करता है। तो इस गर्म ऑयल को ठंडा करने का कार्य कूलिंग फिन्स या रेडिएटर करता है। देखिए, जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो वह ऊपर की ओर आने लगता है, और ऊपर की ओर आकर इस इनर नली के माध्यम से कूलिंग फिन्स के इन स्लॉट्स में बूंद बूंद करके टपकता है। चूँकि यह कूलिंग फिन्स बाहरी वातावरण के प्रभाव में रहता है तो इस कारण ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर इस आउटर नली के माध्यम से अंदर चला जाता है, और यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है। कुछ अधिक लोड वाले ट्रांसफार्मरों में कूलिंग फिन्स के नीचे फैन को भी ऐड किया जाता है जिसे मैं अभी आपको ऑपरेट करके दिखाने वाला हूँ। अब जानते हैं ट्रांसफार्मर का छठवां भाग, बुशिंग्स। यह जो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट आप भाग देख रहे हैं उसे बुशिंग्स कहा जाता है। यह तीन फेज में होता है, R, Y और B। बुशिंग में लगा सबसे ऊपरी भाग एक्सटर्नल कनेक्टिंग टर्मिनल कहलाता है,
और इसका यह मध्य वाला भाग ऑयल एक्सपांसन चैम्बर कहलाता है और इस भाग को पर्सोनिन इंसुलेटर कहते हैं। बुशिंग्स का ट्रांसफार्मर में उपयोग समझते हैं। बुशिंग्स जो है ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर की बॉडी में डिस्टेंस बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। अगर इस ट्रांसमिशन लाइन को डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के बुशिंग्स लगाए जाते हैं। पहला HV बुशिंग्स, जिसे हाई वोल्टेज बुशिंग्स कहा जाता है, और दूसरा LV बुशिंग्स, जिसे लो वोल्टेज बुशिंग्स कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में HV बुशिंग्स जो है LV बुशिंग की तुलना में हमेशा बड़ा रहता है। जैसा कि आप 315 mm ट्रांसफार्मर में देख पा रहे होंगे, HV बुशिंग से 400 kV इनपुट के रूप में ट्रांसफार्मर में आ रही है और LV बुशिंग के द्वारा 220 kV ट्रांसफार्मर से आउटपुट के रूप में निकल रही है। अब जानते हैं ट्रांसफार्मर का सातवां पार्ट, मार्शलिंग बॉक्स। ट्रांसफार्मर में मार्शलिंग बॉक्स का उपयोग एक मेजरिंग इक्विपमेंट की तरह किया जाता है। यह मार्शलिंग बॉक्स ट्रांसफार्मर टैंक में स्थित ऑयल के टेम्परेचर और वाइंडिंग के टेम्परेचर को शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार सबसेशन में लगे सभी इक्विपमेंट की जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप 315 mm ट्रांसफार्मर के द्वारा उनके पार्ट्स के बारे में समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपका भाई 315 mm ट्रांसफार्मर का ही वीडियो बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।